रीजन फॉर द फेलियर इन सी सेट देखिए फर्स्ट थिंग इज द फॉल्टी स्ट्रेटजी आर नंबर ऑफ कैंडिडेट कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग द प्रिपरेशन ऑफ सी सैट एंड दे थिंक दैट देबल टू मैनेज इट इन देंड अरे अभी जी एस करते हैं टेस्ट सीरीज चल रही है जीएस में कम नंबर आ रहे हैं लेटस डू इट अच्छा फरवरी में कर लेंगे मार्च में कर लेंगे अप्रैल में कर लेंगे चलो अप्रैल में फिफ हफ्ता लगा लेंगे दस दिन लगा लेंगे द कीप ऑन पोस्ट पोनिंग द प्रिपरेशन ऑफ सी सैट

एक बार में वो क्या करते हैं स्टार्ट विद इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन सो दैट टेक्स अवे लॉट ऑफ टाइम बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन इज नॉट एट ऑल इजी इन यूपीएससी यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू इवन रीड द पैराग्राफ्स तो आप एक समझ के चलिए कि वो कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट किया उसके बाद लॉजिकल पे आए क्वांट के लिए देखा कि क्वांट में सिर्फ दस क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए बाकी तीस अटेम्प्ट ही नहीं हुए देखे भी नहीं कैसे थे थर्ड थिंग इज दैट समटाइम्स पीपल बिकम केयरलेस वो कहते हैं ठीक है जी हमने तो थर्टी क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन ये फोर्टी क्वेश्चन कर दिए फोर्टी टू टू जी एटी एंड हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स का अटैम कर दिया बाकी हमने करने ही नहीं है वी डोंट दे देर दे फील ओवर कॉन्फिडेंट कि मैंने चालीस क्वेश्चन कर दिए चालीस के चालीस मेरे ठीक है इसलिए बाकी मैं करूंगा ही नहीं हुआ क्या चालीस क्वेश्चन वो ठीक समझ रहे थे बट वो फोर्टी ठीक नहीं थे उसमें से पंद्रह गलत थे उनको लग रहा था ठीक है नॉट अटेम्प्टिंग द एडिकुरेट नंबर ऑफ ऑप्टिमम क्वेश्चन वो भी एक रीजन बनता है तो चार ये रीजन है बिकॉज ऑफ विच द कैंडिडेट फेल इन सी सेट या दे वर अनबल टू क्लियर द सी सेट और दे फाइंड डिफिकल्टी इन क्लियरिंग द प्री